Hi, good morning. And this is the view. You can see it's a beautiful hotel behind me. Welcome to Bhutan Table. Actor. कल हम लोग पहुंच गए हैं फुनसिलिंग मतलब भूटान बॉर्डर. आज परमिट मिलेगी हमें तो वही करने हम लोग जा रहे हैं. अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं. अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. तुम की खाचो? हम लोग तो बंगाली है ना, ब्रेकफास्ट में मुड़ी खाते. तो अभी हम लोग परमिट कराने के लिए आए हैं. तो वी आर वेटिंग आउटसाइड द इमिग्रेशन ऑफिस. और यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है. जैसे कि ये एक वर्किंग डे है तो सभी अपने नेशनल ड्रेस पर घूम रहे हैं. और पेट्रोल पंप पर भी लड़की काम कर रही है जो कि सबसे अच्छी बात है. धूप काफ़ी तेज़ है. हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं. ये है इमिग्रेशन ऑफिस. लेट्स सी कितना टाइम लगता है. बहुत लंबे लाइन के बाद अभी परमिट हमें मिल गई है. तो अभी हम लोग होटल जाएंगे, फिर लंच करेंगे फ्रेश होकर, फिर थिम्पू के लिए निकलेंगे. तो जैसे कि आपको पता है, मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जयगांव में शीतल होटल में रुके हैं. तो उसी होटल में लंच करने आए हैं. और ये एक वेज थाली ऑर्डर की है जो बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल लग रहा है और टेस्टी भी है. तो ये है भूटान ट्रैफिक, जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है. फिर भी रोड्स कितने साफ़ है और जो गाड़ी है सभी ठीक से ही चल रहे हैं. कोई केओस भी नहीं है. ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे. हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं थिम्पू के लिए. तो लंच ऑलरेडी मैंने कर लिया है और अभी थिम्पू जा रहे हैं. वी आर इन द कार. This is my father. Abu, hi, bolo. Hi. ये मेरी मम्मी है. Hello. और वो मेरी दीदी है पीछे. Hi. तो उसको रेल लाइन से उठाया था ना, इसीलिए वो पीछे है. ये चेक पोस्ट है, तो हम लोग चेक पोस्ट पे वेट कर रहे हैं. सो परमिट लेते टाइम आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 1 कॉपी, उसके साथ वोटर आईडी कार्ड चाहिए और उसका फोटो कॉपी चाहिए. और यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है. सो अगर आपके पास रेशन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो इनमें से किसी भी एक आईडी कार्ड आपको ओरिजिनल चाहिए, उसके साथ उसका एक फोटो कॉपी. परमिट लेने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, उसमें ही हमारा सुबह पूरा निकल गया. अभी बज रहे हैं 3 PM बज चुके हैं. यहाँ पर जो परमिट हमने किया है वो थिम्पू और पारो के लिए ही सिर्फ है. और ये परमिट वैलिड है 7 डेज तक. और पुनाखा या फिर चलल्ला पास, इन सब एरिया के लिए आपको परमिट लेना है.
वो सब थिम्पू से लेना है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं अभी। ढाबा है जहाँ पर हम लोग रुके हैं थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और चारों ओर पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स है और शाम होने को है और बहुत बहुत ही ठंड है। तो अभी हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं एक ढाबा टाइप एक दुकान पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा चाय मैगी वगैरह खाएंगे, फिर से थिम्पू के लिए निकलेंगे। और अभी हमारे बीच एक पेशेंट भी है, आप लोगों को दिखाती हूँ, हमारी बाहुबली पेशेंट बन गई। जल्दी जल्दी टेस्ट कर और बता कैसा है। ठीक है, फिर बाहुबली पेशेंट को जब पसंद आया मैगी तो और क्या बात। गाइस हम लोग थिम्पू सिटी पहुंच चुके हैं, बहुत क्लीन सिटी है और अभी रात हो चुकी है, सो होटल जाएंगे फ्रेश होकर, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आज का व्लॉग यहाँ तक ही था, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, सो आप लोग ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा। और ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय। As we entered, we were just thrown out of this building. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे व्लॉग्स आने बाकी है।